अगर आप इंटरनेट पे एंड्रॉइड फोन कस्टमाइजेशन के बारे में देखो, इतनी सारी चीजें देख के खुद को लात मारने का मन करता है। चिंता की कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूल लेवल की कस्टमाइजेशन, वो भी बहुत बेसिक अंदाज में। हम रूट और पेड एप्स की बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, और अगर आप सोच रहे हैं दो फोन, हम मोस्टली इस वाले की बात करेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ कस्टमाइजेशन दिखाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। कस्टमाइजेशन की सबसे पहली सीडी होती है लॉन्चर से। लॉन्चर को आप बिल्कुल कपड़ों की तरह समझ सकते हो, जैसे आप सजने के लिए तैयार होते हो, मस्त साफ सुथरा पहनना पड़ता है अच्छा दिखने के लिए। मेरे तीन फेवरेट लॉन्चर है। पहला नोवल लॉन्चर, ये वाली ऐप दीपावली पे सोन पापड़ी शेयरिंग की प्रथा से भी पुरानी है और ये तब से बेस्ट है। इसमें भी आप हाई लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन कर सकते हो। दूसरी जो ऐप है लिस्ट में, उसका नाम है कॉम्पैक्ट लॉन्चर। इसमें आपको इतनी सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है, इसके लॉन्चर में भी आपको थीम मिलता है तो आप बतेरे तरीके कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें डिसेंट से लेकर गेमर लेवल तक का आपको सब कस्टमाइजेशन मिलेगा। तीसरी ऐप है अल्फा हाइब्रिड लॉन्चर, बहुत ही कूल यूआई के साथ आता है, देखने में बिल्कुल मस्त साइंसिफाई मूवी की तरह लगता है। डायलर आप बिल्कुल यहां से खोल सकते हो सीधा, और इसमें बहुत प्यारी सी आवाज आती है जब भी आप कोई बटन क्लिक करते हो ना, बिल्कुल एक मशीन की तरह ऐसा लगता है कोई डायल घूम रही है बिल्कुल। राइट स्वाइप करने पे आपको बिल्कुल मस्त ऐप की एक लड़ी सी मिल जाएगी, जिसमें आप बिल्कुल चूज कर सकते हो कौन कौन सी ऐप। इवन आपको इसमें मस्त लाइव वॉलपेपर्स मिलते हैं, जिसको आप डाल के बहुत कूल बना सकते हो फोन को। देखो एक और लॉन्चर ऐप है, उसका नाम है KWGT। उसके एक थीम्स आती है, KWGT थीम्स करके आप सर्च कर लो, बिल्कुल मस्त मस्त थीम्स मिल जाते हैं। मेरे कुछ टॉप थ्री फेवरेट की बात करूं तो सबसे पहला है फ्लो, बहुत ही मस्त कूल यूआई के साथ आता है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है जिसको मैंने काफी यूज किया। दूसरे नंबर पे आता है मिनिमस, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक डिजाइन देता है, इसको मैंने बहुत यूज किया, काइंड ऑफ मेरे ज्यादातर यही फेवरेट रहते हैं। वैसे मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो दिखाऊंगा कि जनरली मैं क्या रखता हूं, मतलब इन सब में बेस्ट। अगला जो तीसरा है वो है प्रैक्टिकल डिजाइन, बिल्कुल ही सटल एक प्यारा सा यूआई देखने को मिलता है, ट्विक ट्विक एनिमेशन के साथ इधर उधर, और ये भी बहुत मस्त लगता है। और सबसे कूल बात ये है कि आप इन सबको एक ही क्लिक में अचीव कर सकते हो। चलो अपने फोन को मस्त हमने कपड़े वपड़े पहना दिए, मस्त सेटवेट कर लो कहां पर क्या क्या रखना है आपको ऐप आइकन के तौर पर, मस्त अब अगली एक्सेसरीज की बात करते हैं, वो है ऐप आइकन। ये जो आइकन्स दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, आप इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हो? मैं अगर अपने फेवरेट की बात करूं तो दो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक है कॉर्नी आइकन पैक, ऐसा दिखता है बिल्कुल मस्त जबरदस्त जैसा अभी मेरे फोन में लगा हुआ है। और दूसरा है फ्लाइट आइकन पैक, जब बिल्कुल ही आपको क्लटर फ्री एनवायरनमेंट चाहिए आपके फोन के अंदर, तो बिल्कुल आप सटल कुछ ऐसा लगा सकते हो और ये बहुत अच्छी वाइब्स देता है, बिल्कुल ये शांति वाला माहौल, बिल्कुल रश फ्री फोन बनाता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। अब अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वॉलपेपर्स। दो बेस्ट ऐप जो मैं अभी भी यूज कर रहा हूं उनमें से, सबसे पहला ऐप है डॉप वॉलपेपर और दूसरा ऐप है 3D पैरेलेक्स वॉलपेपर। इस ऐप पे मस्त टाइम पास कर सकते हो इसको हिला के, लेकिन थोड़ी सी परफॉर्मेंस में ग्लिच हो सकता है और बैटरी एग्जैक्ट 2-3% का ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। मस्त दिखने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। अब एक अगले पड़ाव की बात करते हैं कस्टमाइजेशन में, वो यार किसी किसी रोम्स में अवेलेबल होता है, वो होते हैं थीम्स। LG, MIUI, Realme, OneUI और भी बहुत सारे रोम्स ये थीम सपोर्ट करते हैं। LG G8X के लिए जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ये यूज कर रहा हूँ ऑक्सीजन OS का। कसम से यार LG का जो नोटिफिकेशन पैनल है ना डिफॉल्ट वन, इतना गंदा लगता है, लेकिन शुक्र की बात यह है कि आपको थीम्स ऑप्शन मिल जाते हैं, डेफिनेटली कस्टमाइज करो। OneUI का भी है, इस वीडियो के नीचे मैं एक ड्राइव लिंक दे दूंगा, उसमें सारी चीजें मतलब जितनी भी चीजों के बारे में बात करी ना, वो सबका आपको APK मिल जाएगा नीचे ही। अगर मैं करंट की बात करता हूँ तो नोटिफिकेशन पैनल्स या सेटिंग आइकन की बात करूं तो ये सारी चीजें देख पा रही हूं, ये बिल्कुल ऑक्सीजन OS से मिलता जुलता, और ये रेड एसेंट मेरे को बड़ा कूल लगता है, खासकर से इस वाले वॉलपेपर कॉम्बो के साथ ये बहुत कूल दिखता है। एक मिक्सअप कस्टमाइजेशन भी होता है, जिसमें आप लॉन्चर यूज करते हो और आप विजेट यूज करते हो, और विजेट के लिए KWGT इज अ वन ऑफ द बेस्ट, जिसमें से अभी आपको जितनी भी सारी चीजें दिख रही हैं, ये वाली चीज, ये सारी आपको वहीं से कस्टमाइजेशन मैंने करी है। ये मैंने एक वॉल्यूम भी लगा रखा है, क्योंकि यार जब दोनों ड्यूल स्क्रीन को यूज करते हैं ना, तो ये बटन को रीच करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने इसको यहीं पे लगा लिया, बहुत कूल, बहुत काम की चीज। और एक ऐप है क्रिएटिव ऐप, इसमें आपको मस्ट लोग पोस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कस्टमाइजेशन की स्क्रीन, जैसे कि होम स्क्रीन है, और अगर आप अपडेट करते रहते हो तो इन लोगों से डेफिनेटली आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। हाँ, दिस वन लुकिंग कूल। अब एक और ग्रैंड तरीका होता है फोन को बिल्कुल ही कस्टमाइज करने का, वो होता है बिल्कुल ही रोम बदल दो। अगर आप इन सभी चीजों को देख के सोच रहे हो कि ये वन प्लस का फोन है, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो जी। असूस का 5Z है, इसमें मैंने वन प्लस का रोम डाल रखा, ये बिल्कुल एक एक्सट्रीम लेवल की कस्टमाइजेशन है। आप नए रोम ट्राई कर सकते हो, आपको बस देखना है कि कौन कौन से फोन के लिए डेवलपमेंट अवेलेबल है, जस्ट गूगल कर लो। ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं अभी कुछ दिन पहले तक मैं इसी को यूज कर रहा था जब मैं इस वाले फोन में था। अभी मेरा करंट सेटअप ये है, जिसमें मैंने बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एप्स के लिए बना रखा है, प्रोडक्ट पे, वर्क, डिजाइन, फाइनेंस, ये सारी चीजों के लिए मैंने अलग अलग कस्टमाइज कर रखा है। थोड़ा सा फास्ट रहता है, क्योंकि मैं डिफॉल्ट इस वाले सेक्शन में तो मैं जाता ही नहीं हूं कि ऐप आइकन सर्च करने के लिए। और जो दूसरा मेरा वन ऑफ द फेवरेट है वो है मिनिमलिस्टिक वाला है, ये वाला भी मैंने बहुत दिनों तक यूज किया, लेकिन दिवाली आ रही थी, सोचा रंग बिखेर दें हर तरफ, वैसे तो होली, लेकिन फिर भी हमने मस्त रंगीला
सेटअप बना लिया और ये रेड एसेंट के साथ बहुत ही कूल दिखता है इन LG G8X। सो ओवरऑल आप इन सबको यूज करके मस्त धमाकेदार चमका सकते हो अपने फोन को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर, जिसको देखकर आपकी मोहल्ले में इज्जत और बढ़ जाएगी। और अभी हम अपना 19वें नंबर का सब्सक्राइबर ढूंढ रहे हैं, मिले तो बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इस महीने के बेस्ट ऐप ट्राई करके और कूल बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, वरना राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके जबरदस्त काम के एंड्रॉइड ट्रिक सीखो यार।